please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में देर रात से भारी बारिश हो रही है. सायन, माटुंगा, दादर, परेल, लोअर परेल और अंधेरी इलाके में जलजमाव की स्थिति दिखी जा रही है. पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां रास्ते में बंद हो गई है. इसके अलावा सायन रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरी भी पानी में डूब गई है. बारिश की वजह से सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न लाइन की लोकल सेवाएं 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है. मुंबई में बारिश को देखते हुए फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है. और ये तस्वीरें किस तरह से जनजीवन मुंबई में प्रभावित होता दिखाई दे रहा है. कल रात से लगातार तेज बारिश के बाद यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ा. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तेज बारिश के बाद भूस्खलन में ये गाड़ियां भी नीचे दब गई है. कल देर रात से लगातार बारिश की वजह से मुंबई के ये हालात हैं. भूस्खलन के बाद एक निर्माणाधीन इमारत के पास ही किस तरह से भूस्खलन में कई गाड़ियां नीचे दब गई है. लगातार तेज बारिश हो रही है. जो लोलाइन इलाके हैं, सायन, माटुंगा, दादर, लोअर परेल, इन इलाकों में जबरदस्त जल जमाव. लेकिन ये तस्वीर बारिश के बाद और डरा देने वाली. हालांकि बीएमसी की ओर से पुख्ता इंतजाम का दावा जरूर किया गया है. मुंबई और आसपास के इलाकों की ये तस्वीरें देखिए. लोग जल जमाव की स्थिति से परेशान हैं. चेंबूर, कांदीवली, वसई और सायन के इलाके की ये तस्वीरें हैं. कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोलाइन इलाकों में पानी एक बार फिर भर गया है. गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो रही है और ऐसे में ट्रैफिक जाम के साथ साथ लोकल सेवा भी प्रभावित हुई है. विवेक गुप्ता इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं. विवेक, बारिश के बाद भूस्खलन जैसी भी घटनाएं, जहां आप मौजूद हैं, क्या यहां के ताजा हालात हैं? बिल्कुल शेखर प्रशांत, आपने देखिए मुंबई में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हो चुका है. इस समय हम मुंबई के वडाला इलाके में खड़े हैं. हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. लैंडस्लाइड होने की वजह से जो पार्किंग स्लॉट में गाड़ियां खड़ी थी वो किस तरह से मलबे में दब चुकी हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं. और जगह जगह से जो पानी है वो रिस रहा है. आपको बताना चाहेंगे कि वडाला इलाके में ये कंस्ट्रक्शन साइट है और मुंबई पुलिस का मानना है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास जो छोटे छोटे मजदूर यहाँ पर झोपड़े बना के रह रहे थे, शायद वो लोग भी इस मलबे में या फिर इस पानी में फंसे हो सकते हैं. कि यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस के साथ साथ बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड के की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पहुँच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए. लेकिन मैं अपने कैमरामैन विनायक से एक बार फिर से बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो मलबे में पूरी तरह से दब चुकी हैं. और मुंबई पुलिस और इस इमारत में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये पूरी घटना सुबह तकरीबन 4:30 बजे की है, जिसके बाद ये पूरा हादसा घटा है. बिल्डिंग के कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं. कि सर, आपसे जानना चाहेंगे ये कितने बजे लैंडस्लाइड हुआ है? लगभग 4:30 बजे रात. कैसे पता चला आप लोग? एक बहुत आवाज़ हुआ, भयंकर आवाज़ हुआ, तो उसी से मालूम पड़ा. लेकिन हम लोग को नेचुरल सोच कर कर सो गए. तब 7 बजे हम लोग को बोला गया कि बिल्डिंग असुरक्षित है तो उसको बंद वेकेट करना है. उसके बाद से हम लोग पोडियम में नीचे में घूम रहे हैं. कोई इसमें कोई रहता भी था? कोई ड्राइवर या ड्राइवर के जैसे क्वार्टर रूम कुछ बने थे ऐसे? नहीं नहीं, इसमें खाली गाड़ी रहता था. वो गाड़ी जो ओपन पार्किंग वाला गाड़ी जो है वो नीचे चला गया है. ओके प्रशांत, मैं आपने दिखाना चाहूँगा कि जो इमारत है, ये जो वडाला इलाके की इमारत है, इस इमारत में लोग रहते थे और इनकी गाड़ियाँ जो ओपन पार्क होती थी वो गाड़ियाँ पार्क थी. और ये पूरी घटना सुबह तकरीबन 4:30 बजे की है. और इसी इमारत के ठीक बगल में, अपने कैमरे से बुलाऊंगा, ठीक बगल में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है. और कंस्ट्रक्शन साइट होने की वजह से जो नींव पड़ती है इमारत की, वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 100 फीट नीचे, जमीन के नीचे ये नींव पड़ना शुरू हुई थी. पानी पूरी तरह से भर चुका था
और साथ ही साथ ये लैंडस्लाइड होने की वजह से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल खिलौने की तरह इसमें धस चुकी हैं और मलबे में पूरी 6 गाड़ियां इसमें फंसी हुई हैं। जो पेड़ थे आसपास के वो भी पूरी तरह से गिर चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात यह है कि जो मुंबई पुलिस को शक है, फायर ब्रिगेड को शक है, कुछ लोग अंदर इस मलबे में या फिर इस पानी में फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि बारिश अभी थोड़ी सी थमी हुई है क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश अभी थोड़ी सी थमी हुई है, इसे कोशिश की जा रही है कि जब तक बारिश थमी रहे तो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन विवेक जिस तरह से नजदीकी हाई राइज इमारत भी है, क्या आशंका जाहिर की जा रही है उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ प्रशांत, देखिए जिस तरह यहाँ के रेसिडेंट से उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ठीक इमारत के बगल में ये लैंडस्लाइड हुई है तो इमारत को खतरा महसूस करते हुए पूरी, मैं अपने कैमरे से बोलूंगा, जो पूरी इमारत है उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो नीचे आ जाए क्योंकि ऐसी अंशंका जताई जा रही है कि शायद अगर जो लैंडस्लाइड हुआ है तो शायद इस बिल्डिंग को भी खतरा हो सकता है। यही बीएमसी ने प्रिकॉशनरी मेजर पर पूरी बिल्डिंग में बात किया, जो लोग हैं वो नीचे यहाँ पे मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ ठीक इसी, अभी एक बार मैं आपको फिर से दिखाने लगा, ठीक इसी इमारत की बगल में ही आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये स्लाइडिंग हुई है उसमें पूरे लोग फंसे हुए हैं। और जो लेबर है, मैं अगर मैं कैमरे से विनायक से बोल सकता हूँ, देखिए आप जो छोटे छोटे हट बने हुए हैं वो हट इसी तरह दीवारों पे बने हुए थे जो अब पूरी तरह से लैंडस्लाइड में फंस चुके हैं। इसी तरह के झोपड़े बने हुए थे मजदूरों के, इसलिए मुंबई पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड को शक है कि शायद कोई जो मजदूर हैं जो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वो अंदर फंसे हो सकते हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि पानी के बहाव रुकने के बाद और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो धीरे धीरे ठीक किया जाए। एक और बात हमको दिखाना चाहेंगे, जो बाउंड्री वॉल है दीवार, वो आप सब साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ था जो दीवार की बाउंड्री वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। टूटने के बाद ये पूरी जो दीवार का दूसरा हिस्सा है वो कंस्ट्रक्शन साइट के जो 100 फीट गहरा है वहाँ पर जाके गिर चुका है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 गाड़ियाँ ओपन स्ट्रीट पार्किंग में पार्क की गई थी, जिसके बाद लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरी गाड़ियाँ अंदर धस चुकी हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड और बीएमसी के अधिकारी मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद खौफनाक भी है और ये बड़ी ही दिल दहला देने वाली तस्वीर की आखिर किस तरह से एक हाई राइज इमारत के पास ही ओपन पार्किंग स्पेस में लैंडस्लाइड और कई गाड़ियां इसमें दब गई है। लेकिन बीएमसी के जो जिम्मेदार अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं वो क्या इन तस्वीरों के बाद जवाब दे पा रहे हैं? हाँ देखिए, इसमें मुंबई पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग आसपास खड़े हैं उन्हें जो लैंडस्लाइड के इलाका है वहाँ से दूर हटाया जाए और जो इमारत के जो लोग हैं वो नीचे यहाँ पर आ चुके हैं। और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो लैंडस्लाइड यहाँ से हुई है वहाँ पे लोग फंसे नहीं। और जो कोई पुलिस को शक है कि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसकी वजह से लैंडस्लाइड और भी आगे बढ़ सकती है, यही कोशिश की जा रही है कि मुंबई पुलिस जो लैंडस्लाइड की जो मेन जो एज है वहाँ से लोगों को दूर हटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं और जो बीएमसी के अधिकारी यहाँ पे मौजूद, उनके साथ उनका कहना है कि जमीन धंसी है, जो मतलब 100 फीट की जो मिट्टी धंसी है उसका जो इफेक्ट है वो आसपास के जो जगह है वहाँ पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो आसपास की जगह है उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। मैं अपने विनायक के कैमरे से बोलूंगा, आप देख सकते हैं कि जो बीचों बीच प्रशांत ये कंस्ट्रक्शन साइट है और आसपास आप देख सकते हैं कम से कम 20 से 25 मंजिला आसपास की इमारतें हैं वो चारों तरफ इस कंस्ट्रक्शन साइट के बीचों बीच बनी हुई हैं। इसलिए बीएमसी के अधिकारी हैं और जो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं उनको इस बात का डर है कि इस जो लैंडस्लाइड हुई है उसका खामियाजा, उसका इफेक्ट दूसरी इमारतों में ना पड़े, इसलिए कोशिश की जा रही है कि दूसरी इमारतों लोगों को, अगर जो इंजीनियर्स को लगता है कि बिल्डिंग में खतरा है उनकी उन बिल्डिंग को लोगों को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। और जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा था उसका इंस्पेक्शन किस तरीके से किया गया था और जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ पर ये जो गाड़ियाँ गिरी हुई हैं उसका इंस्पेक्शन किस तरीके से किया गया था? प्रशांत, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास ये लैंडस्लाइड, लेकिन नज़दीक में ही हाई राइज इमारत भी जिसमें कई नामी जामी हस्तियां भी रहती है, ऐसे में ये एक और सवाल खड़े करती है तस्वीर की, क्या उस इमारत को कोई खतरा तो नहीं है? ऐसे में विवेक क्या कहते हैं वो लोग, कितनी आशंका कि इस तरह का फर्क उनकी नजदीक ही खड़ी इमारत पर भी पड़ सकता है और इसके लिए क्या कदम अब बीएमसी की ओर से उठाए जा रहे हैं? विशेषज्ञ क्या वहां पहुंचे हैं? प्रशांत, आपने देखे, हम आपको तुरंत दिखाना चाहेंगे कि जिस जगह से हम
जहाँ पे हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे वो जगह थोड़ी सी डिसबैलेंस, थोड़ी सी स्लोप हो गई है। यही वजह है कि बीएमसी के लोग और मुंबई पुलिस को पूरी कोशिश करी कि जो लोग आस पास खड़े हैं उन्हें यहाँ से हटाए जाए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंसिडेंट कितने बजे का है और कितनी गाड़ी तक फंसी थी, क्या देखा था आपने? ये सुबह 4 बजे हुआ, हम लोग सो रहे थे एंड सडनली हमने ये पूरा वॉल गिरते हुए देखा, इसके ऊपर जो छपरे हैं वो सबको गिरते हुए देखा एंड बिकॉज ऑफ दैट सब लोग उठ गए एंड फिर हम नीचे आए तो 15 मिनट में सारी गाड़ी एक साथ नीचे गिरने लगी एंड द साइड वॉज वेरी डेंजरस एंड फिर जैसे सब लोग को अवेयरनेस हुआ सब धीरे धीरे करके नीचे आने लगे बिल्डिंग में। कितनी गाड़ियाँ थी, कुछ लोग अंदर रह भी रहे थे, ड्राइवर्स क्वार्टर या कोई सर्वेंट क्वार्टर पे था वहाँ पर? नहीं, कोई ड्राइवर्स तो नहीं थे, बट 3-4 गाड़ी गई, फिर धीरे धीरे करके थोड़ी गाड़ी हमने हटाने का शुरू किया बिकॉज प्रेशर बढ़ रहा था, स्टील की प्रेशर की वजह से जो जमीन दब रही थी तो धीरे धीरे करने हमने कार्स को हटाना शुरू किया। ओके, तो आप लोग ये बिल्डिंग में बीएमसी वालों ने बोला कि बिल्डिंग डेंजरस है बाहर आने के, किसी ने कुछ बोला कि इस बिल्डिंग का इफेक्ट पड़ा है? बिल्डिंग को कुछ इफेक्ट नहीं, ऐसे मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं है, वो कमेटी वाले को ज़्यादा मालूम, बट लीविंग से जो जो थे उन लोगों को धीरे धीरे करके अवेयरनेस। दोस्ती वाले को इतना टाइम से कंप्लेन करे बट दे आर नॉट लिसनिंग एनीथिंग। एक नंबर का वो बदमाश और हरामखोर आदमी है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इडियट ये पूरा बिल्डिंग की हालत हुई है हमारी। इतना टाइम कंप्लेन कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई जात का कोई डिसिप्लिन नहीं है। रात को 12 बजे 3 बजे कंस्ट्रक्शन चालू करते, कोई तरीका है क्या उसका करने का काम? हाँ, तो प्रशांत आप देख सकते हैं जो लोकल रेसिडेंट हैं इस बिल्डिंग के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका 700 रुपये कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से देर रात और 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड होने की वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से अंदर फंसी हुई हैं। लेकिन जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई पुलिस को शक है कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम है। आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन जो मजदूर उनके उनके जो हेलमेट हैं और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये इस बात का लगाया जा रहा है कि कुछ लोग अंदर मलबे में दबे हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो झोपड़े जो हट बने हुए हैं और हट बनने के बाद जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग थे वही कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से पूरा हो सके। प्रशांत, बिल्कुल, लेकिन सवाल इस पूरी व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं कि अगर इस तरह की आशंका पहले से थी तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था क्या यहाँ कोई लापरवाही बरती जा रही थी? विवेक, ये भी एक बड़े सवाल है, जिस तरह से इमारत में रहने वाले लोग इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, क्या बीएमसी की ओर से दावा किया गया है इसके बाद? बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने। देखिए जो इस सोसाइटी में जो लग रहते हैं इस बिल्डिंग का नाम लॉयड बिल्डिंग है, उनका लोगों का 700 रुपये कहना है कि उन्होंने लगातार इस बात की कंप्लेन की थी कि जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो 24 घंटे कंस्ट्रक्शन ना चले, उसको लेके कई सवाल खड़े हो रहे थे कि ये 24 घंटे कंस्ट्रक्शन कैसे चला है। उनको आसपास की इमारतों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था, इसलिए बकायदा इन्होंने इस पूरी कंप्लेन को पुलिस से भी की थी और पूरा मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, उसके बावजूद भी ये कंस्ट्रक्शन रोका नहीं गया था। अगर मैं प्रशांत और अपने दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो ठीक बीचों बीच है, 100 फीट गहरे खोदने के बाद इसकी नींव पड़ी है, और मैं अपने विनायक के कैमरे से बोलूँगा अगर इस कंस्ट्रक्शन साइट के आप चारों तरफ देखेंगे तो तकरीबन 15 से 20 माले की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। तो यही अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है तो इसका इफेक्ट दूसरी इमारतों में ना पड़े, दूसरे लोगों पर ना पड़े, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो जो इमारतें इस लैंडस्लाइड की वजह से डेंजर जोन में है उस इमारतों को उन इमारतों को खाली किया जा सके ताकि उन्हें कोई इफेक्ट न पड़े। यही वजह है कि यहाँ पर मुंबई पुलिस के साथ साथ बीएमसी का अधिकारी, फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रशांत, बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मुंबई के वडाला इलाके में देर रात लगातार बारिश होती रही और उसके बाद लैंडस्लाइड हुई है। वडाला की लॉयड स्ट्रीट ये बिल्डिंग है और सी और डी विंग के नज़दीक ही बिल्कुल ओपन स्पेस पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी वो लैंडस्लाइड में पूरी तरह से नीचे जाकर धंस गई है। आसपास बनी कुछ झुग्गियां भी इसकी चपेट में आई है। विवेक गुप्ता लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कई जानी मानी हस्तियां इस बिल्डिंग में रहती हैं, इस इमारत में रहती है, वो शिकायत भी कर रहे हैं कि यहां लापरवाही बरती गई है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। किस तरह के आरोप उनके हैं और कौन कौन सी चीज़ें नज़रअंदाज की गई है जो मौके पर देखी जा सकती है?
हाँ बिल्कुल सही कहा प्रशांत, आपने देखिए जो इस बिल्डिंग के इमारत में रहते उन्होंने कई आरोप लगाने का साफ तौर पर कहना था कि कंस्ट्रक्शन 24 घंटे देर रात भी चलता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। इसकी कंप्लेन उन्होंने बाकायदा की थी। सोसाइटी के लोग हमारे से उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सर ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर आप उन्हें कंप्लेन भी की थी, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा था। ठीक है सर, ये आपसे जानते ये जो पूरा सोसाइटी के कुछ लोग हमारे साथ में बात करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा हादसा घटा है इसके जिम्मेदार कौन है? आप यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं। इसके जिम्मेदार एक्चुअली मैं कॉर्पोरेटर बाजू के वार्ड का हूँ, मेरे वार्ड से बिल्कुल बाउंड्री है, बट मेन इसका जो जिम्मेदार है वो मैं मानता हूँ बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट है जी। उनको बारिश से पहले इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहिए था, उनको इसके बारे में मालूमात करनी चाहिए थी, और हम लोगों ने बस बारिश से मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले वर्क्स कमेटी चेयरमैन के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने दौरा भी लिया था जी। वर्क्स कमेटी चेयरमैन खुद आई थी और उस वक्त इस जो जगह है, इस जगह का हम लोगों ने स्पेशली दौरा किया था। वहाँ पे दौरा करने के बाद में हम लोगों ने उस वक्त ये प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए गए उनसे सवाल उठाए थे जिस वक्त ऑफिसर भी थे, क्योंकि जो पानी का इशू है, पानी जो बह के जा रहा था, जो वर्क बगैर प्रिकॉशन के वर्क्स काम वहाँ पर हो रहे थे उस बारे में सवाल उठाए गए थे, लेकिन फिर भी बीएमसी ने उसके ऊपर प्रिकॉशन नहीं लिया। इसका स्ट्रक्चर ऑडिट अभी भी मैंने उसको ऑफिसर को पूछा, बोले अभी चल रहा है, हुआ नहीं है। जब हुआ नहीं तो आपने काम करने की परमिशन कैसे दी? मुंबई पुलिस का कहना है कि जो छोटे छोटे हट बने हुए हैं, अभी हमने दिखाए जो हट बने हुए हैं उसमें कुछ मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी करते हैं वो लोग शायद फंसे हो सकते हैं, अगर उनकी जान मान को कुछ हानि होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पूरा बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट मेरे मतलब अभी बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट जो है स्पेसिफिकली इस काम के लिए जिम्मेदार है। उनको गरीबों के झोपड़े नजर आते हैं, उनको अंदर गलियों में घुस घुस के घरों को गरीबों का घर तोड़ना नजर आता है, लेकिन उनको बिल्डरों के इतनी बड़ी बड़ी गलत चीज़ें नज़र नहीं आती है, तो इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 18-18, 20-20 साल से कुर्सी पे बैठे हुए, उस पर भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्यों बैठे हुए और कैसे बैठे हुए। 3 साल में ट्रांसफ़र होना बीएमसी का कानून है, सीपीआर रूल है, सिविल प्रोसीजर रूल है, फिर भी 18-18 साल से 20-20 साल से एक ऑफिसर बैठा हुआ है किसी न किसी बिल्डर के फायदे के लिए बैठा हुआ है, तो मैं उसके कहता हूँ उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसको अभी हम लोग यहाँ पर हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है रवि राजा जी, वो भी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम जी थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो हम लोग इसको पूरा सभागृह के अंदर किस तरीके से इसको लिया जा सकता है इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये करप्शन का पूरा मामला उठ रहा है, कुछ लोग हमारे साथ हैं सर, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी, किसकी, इतना बड़ा हादसा हुआ, आप इस बिल्डिंग में रहते हो, तो ये किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीएमसी, क्योंकि साल भर पहले वहाँ पे भी सेम इसी तरह से ब्रेकडाउन हुआ था, जैसे पहले भी हाँ वो सामने दोस्तों उन्होंने बाद में रिपेयर किया, बट वहाँ कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ तो पूरी सोसाइटी और पार्किंग आपने देखा ही जैसे कि, और काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं अंदर बेचारे, आप देखेंगे जाके फर्स्ट फ्लोर में बैठे हुए हैं, तो वो उनको उनकी भी हालत बेचारे इस एज में कैसे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। तो आपने केस क्या इसकी कंप्लेंट की थी पुलिस को या फिर कोई कंप्लेंट की थी? सोसाइटी ऑफिस ने की थी, पुलिस को भी कंप्लेंट की थी, केस भी चल रहा है कोर्ट में। क्या कंप्लेंट थी? ये इसके इलीगल कंस्ट्रक्शन और इसकी वजह से बीच में जमीन धसी थी पार्किंग में, तो उसके लिए इन्होंने किया भी था, उनको बुला के सर्वे भी करवाया था बीएमसी डिपार्टमेंट में। ओके प्रशांत, देख सकते हैं तो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, साफ तौर पर कहना है कि बकायदा इस पूरे बिल्कुल विवेक जी लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं बीएमसी पर और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर कि क्यों आखिर इतनी लापरवाही, जबकि पिछले साल भी कुछ इसी तरह का हादसा हो चुका है। चरण सिंह सापरा कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सापरा साहब, इस तरह की तस्वीर वडाला से सामने आ रही है, अब हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आए, जिम्मेदार आखिर कौन है, वक्त रहते क्यों नहीं जागा गया? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये हर साल इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, कहीं लैंडस्लाइड होती है, कहीं पर पुरानी जर्जर इमारतें गिरती हैं, मैनहोल में लोग गिर रहे हैं और पेड़ गिरते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। कल भी एक पेड़ गिरा है, व्यक्ति की मौत हुई, परसों मैनहोल में एक व्यक्ति हाईवे पे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गिर के मर गया है। तो महानगर पालिका की सीरियसनेस नहीं है, और ये जो लेथार्जी है महानगर पालिका के अधिकारी और जो प्रशासन जो चला रहे हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। सापरा साहब, ये जो वडाला में ये जो हादसा हुआ है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां नीचे दब गई है, क्या आप मौके पर जा पाए, देख पाए, और प्राइमा फेसी किसे आप दोषी मानते हैं इस तरह की घटना के लिए? देखिए प्राइमा फेसी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो इसके जिम्मेवार है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि हर कोई कंस्ट्रक्शन जो होती है शहर में
उसको बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट अप्रूव करता है और उसी के बाद में उनको वो सारे बनाने का भी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी पहले वही अप्रूव करते हैं और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के टाइम भी वो सारा चीज देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही है जिसकी वजह से ये गाड़ियां आज धस गई हैं और थोड़ी देर में वहीं पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजय निरुपम जी पहुंच रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रवि राजा, ये तमाम सारे लोग और हमारे लोकल काउंसलर और सारे लोग वहीं पर हैं। सापरा साहब, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वडाला इलाके में जो लैंडस्लाइड हुआ है, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां लैंडस्लाइड में नीचे जाकर दब गई है, लेकिन नजदीक ही सटी हाईराइज इमारत भी है, ऐसे में आशंका ये कि क्या उसका असर उस पर तो नहीं पड़ सकता, इसके लिए आपके क्या क्या नजरिए, आखिर क्या और इंतजाम किए जाने चाहिए? बिल्कुल, ये इंतजाम और करने चाहिए इनको, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सी इमारत, अगर ये इमारत के बगल में हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी फाउंडेशन किस तरह की है, या इमारत को क्षति तो नहीं पहुंचेगी, या इमारत की फाउंडेशन नीचे से लूज तो नहीं हो गई, ये तमाम सारी तहकीकात करनी पड़ेगी। मामला बहुत सीरियस है और महानगर पालिका को ये पूरा साल सतर्क रहना चाहिए। ये केवल खाना पूर्ति करते हैं और जनता का पैसा जो है उसका मिसयूज होता है लार्ज स्केल पर। तो महानगर पालिका के अधिकारियों पर और खास करके महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये सरकार जो है कोई ना कोई तरीके से महानगर पालिका आयुक्त जो है उनको पता नहीं कितना लंबा अरसा देना चाहते हैं, ऑलरेडी 3.5 साल या 4 साल उनको हो रहे हैं। लेकिन सापरा साहब, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट भी एकदम नजदीक ही है, क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ लापरवाही बरती गई है और ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये भी वजह हो सकती है। अब इसकी तहकीकात तो महानगर पालिका के इंजीनियर करेंगे, उनको रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान से खेल रहे हैं। आपके पास कोई जानकारी है कि सिर्फ गाड़ियां दबी हुई है लेकिन आसपास कुछ झुग्गियां भी हैं जो क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है, कुछ हेलमेट यहां पड़े हुए हैं, क्या कोई जनहानि तो नहीं? आप जननेता हैं, आप तक की कोई जानकारी पहुंच पाई है? जी, हो सकता है, लेकिन अभी तक हमको ऐसी जानकारी नहीं आई है कि कोई जान उसमें फंसी है जी, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी को ना नहीं कह सकते। शुक्रिया सापरा साहब, हमारे सहयोगी विवेक लगातार यहीं मौजूद हैं। विवेक, आप बता रहे हैं कि अब जहां पार्किंग स्पेस था वहां कुछ दरारें दिखाई दे रही है ऊपर, वहां क्या ताजा हालात बने हुए हैं? बिल्कुल शेखर प्रशांत, आपने देखिए, अगर मैं कैमरा से बोलूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बाउंड्री वॉल थी उसकी जो बड़ी बड़ी दरारें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो सड़क जो पार्किंग स्लॉट बनाई गई थी वो भी दरारें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लैंडस्लाइड जहाँ पर हुआ है वहाँ पर कोई भी इंसान ना जाए, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि उस इलाके में कोई ना जाए, इसलिए पुलिस ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, कोई भी नीचे नहीं उतर रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर शायद कोई अंदर फंसा हो या फिर जो अंदर जो छोटे छोटे हट बने उसमें लोग हों उनको जो किसी तरह बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी लैंडस्लाइड हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रही है। जो यहाँ के आम लोग हैं उनसे हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने लगातार कंप्लेन की थी इस बात की कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कहीं ना कहीं लीगल है, और साथ ही साथ जो 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो गलत है, इसी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कुछ लोग स्थानीय निवासी लगातार यहाँ आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर लापरवाही बढ़ती गई है, नजरअंदाज किया गया है, कानून को ताक पर रखकर लगातार निर्माण कार्य चल रहा था, ये स्थानीय लोगों का आरोप है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, डीसीपी से बात की हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने। ऐसा डीसीपी, मैं अंबिका मैम्बिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इंसिडेंट हुआ, इसको निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस चल रहा है? फायर ब्रिगेड, बीएमसी स्टाफ एंड पुलिस पन इधर हैं, वी ऑल आर हियर एंड या रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। टिल नाउ 6 vehicles आर डैमेज, वी आर सीइंग दैट बिकॉज द वर्कर्स ऑफ द दोस्ती दे वर स्टेइंग इन द दिस थिंग स्मॉल हट्स एंड ऑल, सो वी आर सीइंग दैट ऑल्सो। ओके मैम, कितने वर्कर्स हैं, कुछ आइडिया में ऑफिशियल नंबर्स? नहीं, टिल नाउ वी डोंट नो, बट इट्स गोइंग ऑन। ओके, हाँ, तो ये थे हमारे साथ डीसीपी अंबिका मैम, जो बता रहे थे कि कुछ वर्कर्स इसमें काम कर रहे थे, उनको भी खोजने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर भर चुका है, और जिसकी वजह से जो तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो गया है। और ये वडाला की लॉयड स्ट्रीट
इमारत के नजदीक ही लैंडस्लाइड, 6 गाड़ियां इसमें नीचे दब गई है। इसी इमारत में रहने वाली सिमरन परमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिमरन, जो हादसा हुआ है, क्या आपका नजरिया, आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सर, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ दो सी रियलिटी है जो कि कंस्ट्रक्शन बाजू में कर रहा है। जब तक उसका कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ था, हमारी सोसाइटी एकदम सेफ थी। जब से उसने कंस्ट्रक्शन चालू किया है, तब से हमारे को ये तकलीफ आ रही है और इनके ऊपर केस भी चालू है। आप सोसाइटी का पूरा राउंड मारेंगे, आपको पता चल जाएगा पूरी जमीन उबड़ खाबड़ हो गई है। इनके ऑफिसर्स ने साइन करके दिया है, बीएमसी ने साइन करके दिया, लेकिन वो क्या, सिर्फ साइन पेपर के ऊपर? 5,000 लोगों की कोई कीमत नहीं, सिर्फ एक साइन की कीमत मानते हैं आप लोग? सिमरन, जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहां आपको लग रहा है कि इसमें कानून को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है, किस तरह की चूक है हो रही है? सर, सबको पैसे दे के अपना काम करा के फाइल पास किया जा रहा है। मैं ओपनली बोलूंगी, मुझे कोई डर नहीं, करप्शन आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी बीएमसी के ऑफिसर्स लोग करप्शन करके पैसा लेते हैं और फाइल पास करते हैं। नहीं, यानी जो ये निर्माण बाजू में हो रहा है, आपको लगता है ये वजह है इस लैंडस्लाइड की और जो खतरा आपकी बिल्डिंग तक पहुंच रहा है? यस, बिल्कुल सही बात है। आप, मैं ही नहीं सफर कर रही, उनकी खुद की एक बिल्डिंग दोस्ती ब्लॉसम वो भी सफर कर रही है। कस्टम क्वार्टर्स की बिल्डिंग है वो भी सफर कर रही है। खाली मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे यहाँ हादसा हो गया, कल को कुछ भी हो सकता है। एट एनी मोमेंट एक आप पलक झपकते बिल्डिंग गिर सकती है नीचे। सिमरन, ऐसा क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, किन चीजों को ताक पर रखा गया, कुछ समझा कर बता सकती हैं आप? सर, किस चीजों को समझा गया पहले तो मुझे ये बताओ। बाहर कोई चीज पे इन लोग अमल नहीं करते हैं। बाहर का अपना मिट्टी का पानी बाहर रोड पर छोड़ते हैं और वो पूरा पानी हमारी सोसाइटी के अंदर आता है, पूरा गटर जाम हो जाता है। और ये चीज मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, वहाँ के सारे लोग बोलेंगे, इवन द कॉर्पोरेटर विल से दिस थिंग। सिमरन, क्या आपको लग रहा है इस लैंडस्लाइड के बाद आपकी बिल्डिंग को खतरा है, यहाँ रहने वाले लोगों को खतरा है? हमारी बिल्डिंग को पूरा खतरा है। ये कितने नजदीक, कभी भी वो गिर सकती है। कोई कुछ भी बोले कि स्ट्रक्चर इंजीनियर भी आके बोले, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। पहले भी तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने रिपोर्ट दी थी, क्या हुआ उस रिपोर्ट का? सिमरन, अगर आपको यहाँ खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में फिलहाल बैठे हुए हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए, इनको अरेस्ट कराने के लिए, इनको हम सबको घर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बिल्डिंग अभी पूरी खतरे में है। पूरा इनको वो सॉल्व करना पड़ेगा हमारा प्रॉब्लम। तो आपकी बिल्डिंग में सारे लोग अभी अब घर से बाहर निकल चुके हैं? सर, काफी लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। आधे लोग पुलिस स्टेशन में, आधे लोग लॉबी में बैठे हैं, आधे लोग क्लब हाउस में बैठे हैं। बच्चे बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। आज इलेक्शन की वजह से बच्चों को छुट्टी है, किसी ने पानी नहीं पिया। मैंने अभी पुलिस स्टेशन में आके पानी पिया है। कोई प्रशासनिक व्यवस्था की गई है? अगर ये बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रही है तो आप लोगों को शिफ्ट करवाया जाए, इसके लिए कोई कदम उठाए गए प्रशासनिक स्तर पर? कोई किसी ने उठाया नहीं है कदम। सिर्फ अभी भी दोस्ती वाला बोल रहा है, हम साइन कर देंगे, हम दीवार बना देंगे, हम ये कर देंगे। ये सब नहीं चलेगा बॉस। तुम अपना महल बनाओ और दूसरों का महल गिराओ। सिमरन, आपके पास बीएमसी के जिम्मेदार अधिकारी पहुंच पाए हैं क्या? उनसे बात हो रही है आपकी, क्या वो कह रहे हैं? सर, बीएमसी भी इज वॉशिंग हैंड्स, वेरी ओपनली सेइंग, बीएमसी हिमसेल्फ इज वॉशिंग हैंड्स। यू डोंट नो मैडम व्हाट वी हैव, दिस इज अ डिफरेंट इशू। थोड़े दिन पहले बीएमसी वाला खुद कैप्टन तमिल सेल्वन के साथ में हमारे एरिया में आया था। क्या हुआ? अभी उसको पूछा, मैडम तुमको मालूम नहीं है, ये वो दूसरा था, ये दूसरा है। अच्छा, तुम लोगों को पैकेट मिल गया, इसलिए तो तुम लोग चुप करके बैठ रहे हो। ये तस्वीरें वाकई, लोग औरतें तक पुलिस स्टेशन आई है, मेरी बिल्डिंग की औरतें जो आज तक पुलिस स्टेशन नहीं आई है जी, और सीनियर सिटीजंस भी हैं साथ में। सिमरन, अगर आप पुलिस स्टेशन में पहुंची हुई हैं, पुलिस अधिकारी आपकी बात सुन पाए हैं, सोलंकर साहब, मुंगेकर साहब और हमारी कॉर्पोरेटर साहब नीता मैडम भी है जी, तो क्या आप एफआईआर दर्ज करवाने आई है, किसके नाम से और क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है? अभी तक सीनियर साहब ही नहीं है, अभी तक तो सीनियर साहब ही नहीं है पुलिस स्टेशन में। सर, हमको भी इलेक्शन ड्यूटी पे जाना था, हम फिर भी यहाँ खड़े हैं। ये तस्वीरें वाकई चिंता पैदा करती है। विवेक, हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। विवेक, इस वक्त बिल्डिंग के ज्यादातर लोग इमारत को खाली कर चुके हैं और कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए हुए हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए, क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है?
हाँ बिल्कुल शिखर प्रशांत, आपने देखिए लोगों में नाराजगी और गुस्सा काफी ज्यादा है क्योंकि उन्हें अब अपनी जान अपने बच्चों की जान का खतरा की जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है उसके ठीक बगल में जो इमारत है लॉयड बिल्डिंग की है वो भी खतरादायक हो सकती है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये जो अब कोशिश चल रही है कि आप लोग को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए तो आप लोग कोई डी विंग से लोग बाहर आ गए हैं? डी विंग पूरा खाली करा दिया है यहाँ पे और ये पता नहीं और कितना डैमेज होएगा, स्ट्रक्चरल कितना अंदर इफेक्ट हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर आए हैं और क्या कर रहे हैं पता नहीं, कितने पैसे खिलाए जाएंगे क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे बाजू में ही रहता हूँ, ये दोस्ती बिल्डिंग में ही रहता हूँ, दोस्ती ब्रॉसम में रहता हूँ। आज अब वहाँ पे भी आप चलिए वहाँ पे देखिए यही हाल है। आज पूरी हमारी जो पार्किंग पूरी नीचे बैठ गई है, दोस्ती वालों ने हमको वादा किया कुछ नहीं हुआ है, हम आपका ये बिल्डिंग का वादा वाले करा के देंगे, तो उन्होंने टेम्परेरी हमको करा के दिया, फिर से बाहर नीचे बैठ रहे हैं वो, पूरी गाड़ियाँ नीचे जा रही है, हम लोग को गाड़ियाँ पूरी खाली करनी पड़ी, पार्किंग खाली करनी पड़ी। और अभी आप ये देखेंगे वो सर पे जो पूरा पानी नीचे बाहर आ रहा है वो पूरा बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के नीचे से आ रहा है पूरा पानी वो जी पूरा बिल्डिंग। अभी वो इतना हमको खतरा है वो कभी भी नीचे बैठ सकेगा, हम लोग डर था बिल्डिंग किचन नहीं आ जाए हम लोग की, यही सामने वाली बिल्डिंग में रह रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल आप कुछ कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली प्रपोजल बिल्डिंग बीएमसी एंड दोस्ती बिल्डर, कोर्ट में केस भी चालू हुआ है, ऐसा भी करके मिली भगत ये काम चालू रखा है। तो प्रशांत आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो लोगों का आरोप है उनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से बीएमसी ने करप्शन किया है और किस तरीके से इसके पूरी तरह से बिल्कुल विवाद। और ये लगातार नाखुशी यहाँ के लोगों की, बिल्डिंग और प्रपोजल डिपार्टमेंट पर भी आरोप लगाते हुए, बीएमसी पर आरोप लगाते हुए वडाला की ये खौफनाक तस्वीर जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, कई गाड़ियां इसमें दब गई है, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।